अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ के हम लोग 2.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने करना है, जिसमें हमें जी और डब्ल्यू दो इमेजिनरी नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनके एडिशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो जी और डब्ल्यू को हम लोगों ने यूज़ करके ये कुछ टर्म्स प्रूव करने के लिए दी हुई हैं, ये हमने करनी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें हमें उन्होंने बोला है जी प्लस डब्ल्यू बार हमने फाइंड करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैं सॉल्व कर रही हूँ, राइट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें उन्होंने क्या जी प्लस डब्ल्यू हम लोग सबसे पहले करेंगे, तो जी और डब्ल्यू की वैल्यूज पुट की, उनको प्लस किया। प्लस करने का तरीका आपको पता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में। तो 5 + 2 क्या आ गया 7, और 4 में से 3 माइनस किया तो -1 आयोटा। उसके बाद कॉन्जुगेट ऊपर लेना, तो दोनों साइड पे कॉन्जुगेट ले लिए, इस साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो माइनस दरमियान में आ रहा, अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है कि जी का बार लेना है, डब्ल्यू का बार लेना है, और उन दोनों के आंसर्स को प्लस कर लेना है। आंसर यही आना चाहिए, ये जो इसमें है 7 + iota। उसके बाद इसके 5 वाले पार्ट में हमें उन्होंने बोला है 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज़ अ रियल पार्ट ऑफ जी। अब जी का जो है उसका रियल पार्ट क्या है 2, तो हमारा जो है इसको सॉल्व करके आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। 1/2 ऐसे जी की वैल्यू पुट की, जी यहाँ पे भी जी की वैल्यू पुट की, जी का कॉन्जुगेट लिया तो -3 iota आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट दोनों कट हो गए, 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो आंसर क्या आ गया 2, और 2 जो है जी का रियल पार्ट है, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद 6 वाले पार्ट में हमने क्या करना है, जो ये टर्म है इसको हमने प्रूव करना है कि ये जी का इमेजिनरी पार्ट है, तो जी का इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो यही हमारा आंसर अब यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो जी की वैल्यू पुट की, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया 6 iota से कट गया, 2 × 3 = 6, तो आंसर क्या आ गया 3, यही हमने प्रूव करना था। तो इसके जो पार्ट्स बच गए हैं वो आप लोग खुद करेंगे। थैंक यू सो मच।